जनवरी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छी मेमोरी आती है, 26 जनवरी की परेड, ध्वजारोहण और उसके बाद मिलने वाले लड्डू। रिपब्लिक डे वैसे तो कई वजहों से स्पेशल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में आने वाले, आमंत्रित किए जाने वाले चीफ गेस्ट किस क्राइटेरिया पर सिलेक्ट किए जाते हैं? 2023 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। मुख्य अतिथि का चयन करने का जिम्मा दिया जाता है विदेश मंत्रालय को, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये देखती है कि किस देश के साथ भारत को संबंध बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, उसके राष्ट्राध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को परेड में आमंत्रित किया जाता है। चीफ गेस्ट को सिलेक्ट करने का प्रोसेस रिपब्लिक डे से 6 महीने पहले शुरू हो जाता है। इन्विटेशन भेजने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के पॉलिटिकल, कमर्शियल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखती है। भारत के शुरुआती दशकों में ज्यादातर मेहमान नॉन अलाइन मूवमेंट के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे। 1990s के बाद यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया गया है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा गेस्ट दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण एशिया से बुलाए जाते हैं। अगर आपको ये रील ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।